मैं अंश को बुलाना चाहती हूँ, अंश कुमार खरे को। जी जी अंश, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, नमस्कार। हाँ जी, आप सुनाइए, आप नमस्कार अपने बारे में बताइए और सुनाइए आप क्या बोलने वाले। नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंश कुमार खरे मंच पर उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मैं हिंदी भाषी भारतीय हूँ। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मैं दयानंद नेहरू वैदिक पब्लिक स्कूल सेक्टर 39 चंडीगढ़ भारत का छात्र हूँ। मुझे अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व है। वाह वाह, मुझे भी बहुत गर्व। मुझे इस मंच पर अवसर प्रदान करने के लिए मैं माँ सरस्वती जी का, अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रेमी मंच का, डॉक्टर ममता सैनी जी का और मेरी प्रिय अध्यापिका उषा मेहता जी का आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं बहुत आपका बहुत बढ़िया, समक्ष बहुत आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अनुमति है, आप शुरू करिए अपनी कविता। और आपने ये कविता खुद लिखी है आपने इसको? अरे वाह, उसके लिए तो तालियां हो जाएं, मैं तो तालियां बजाना चाहूंगी। ये बच्चा 7 साल का बच्चा अपने आप कविता लिखता है। और हाँ जी हाँ जी, आप शुरू करिए ना। आप 1 मिनट, 1 मिनट शुरू करने से पहले 1 मिनट मैं बताना चाहूंगी। को नहीं, अंग्रेजी आपकी को आवाज नहीं आ सलाम, रही। हाँ चलिए, छोड़कर हिंदी भाषा को अंग्रेजी को सलाम करते हैं, छोड़कर हिंदी भाषा को अंग्रेजी को सलाम करते हैं, अपनी हिंदी को हम अपने ही देश में नीलाम करते हैं, अपने हिंदी को हम अपने ही देश में नीलाम करते हैं। इससे ज्यादा क्या दुर्दशा करेंगे हम अपनी मातृभाषा की, इससे ज्यादा क्या दुर्दशा करेंगे हम अपनी मातृभाषा की। इसको सम्मान देने के लिए हिंदी दिवस का इंतजार करते हैं। धन्यवाद। अरे वाह भाई वाह भाई वाह, वाह भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी आपकी। हाँ सुनाइए सुनाइए, आप सुनाते रहिए, मैं आपको ऐसे वाह वाह बोलती रहूंगी। अनुमति हो तो मैं एक और सुंदर सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मुझे मेरी अध्यापिका ने सिखाई बिल्कुल, है। अरे वाह, सागर में सुनाइए दीपा सुनाइए। है, हिंदी सबकी संगम है। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा बहुत कावेरी की धारा के साथ मिलती हिंदी है। गंगा कावेरी की धारा के साथ मिलती हिंदी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सेतु बनाती हिंदी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बेटा, बहुत अच्छा। आपके टीचर ने जो कविता बोली और आपको सिखाई वो बहुत अच्छा है। मैं टीचर को प्रणाम करती हूँ और मैं जल्द ही उनको जो है आपके बीच में लेकर के आऊंगी, जो इनकी अध्यापिका है। और एक बार बच्चों का मैं कार्यक्रम हो जाए उसके बाद इन अध्यापिकाओं को मैं सलाम करती हूँ और उनको जरूर आज मंच पर लेकर के आऊंगी मैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनसे मिलूँ और पूरी इच्छा है मेरी। तो बेटा आपको अनंत अंत अंत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके सामने ही आपके कमेंट पढ़ूंगी, फिर आप चले जाएंगे ना तो फिर आपको ऐसे तो सुनेगा ही आपको। मैं आपके सामने आपकी मुस्कान देखना चाहती हूँ, ठीक है? तो आप यस बोलिए बोलिए। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे जीतू जलेसरी जी द्वारा रचित गीत प्रस्तुत करने की अनुमति दें। जीतू जलेश्री की रचना को प्रस्तुत करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल अनुमति है। मैं बता दूं, जिन जीतू जलेश्री
रही हैं वो जो है एक बहुत ही बेहतरीन कवि है, उनकी रचना ये प्रस्तुत करेंगे और हमारी हमारी ही टीम की एक सदस्य भी है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत है आप प्रस्तुत करिए। बिल्कुल ये देश हमारा है, ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है, ये देश तुम्हारा है, मिलजुल के यह रहना उद्देश्य हमारा है, मिलजुल के यह रहना उद्देश्य हमारा है, मंदिर के भजन भी है, मस्जिद की अजाने है, मंदिर के भजन भी है, मस्जिद की अजाने है, गुरुवाणी अगर है तो बाइबल के तराने हैं, गुरुवाणी अगर है तो बाइबल के तराने हैं, नफरत को मिटाना ही संदेश हमारा है, नफरत को मिटाना ही संदेश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है, ये देश तुम्हारा है, मिलजुल के यहाँ रहना उद्देश्य हमारा है, यहाँ सबको जीना है, यहाँ सबको मरना है, यहाँ सबको जीना है, यहाँ सबको मरना है, रहे प्यार भाईचारा कुछ ऐसा करना है, रहे प्यार भाईचारा कुछ ऐसा करना है, परिवेश हमारा है पृथ्वी पृथ्वी पर एक परिवेश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश तुम्हारा है, मिलजुल के यहाँ रहना उद्देश्य हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल वही जनगणमन गाना है, हर भजन अजा के पहले जनगणमन गाना है, और वंदे मातरम कहने में क्या शर्माना है, और वंदे मातरम क्या शर्माना है, हर मजहब से पहले तिरंगे का जय जयकारा है, हर मजहब से पहले तिरंगे का जय जयकारा है, ये देश हमारा है, ये देश तुम्हारा है, मिलजुल के यहाँ रहना उद्देश्य हमारा है, मजहब के ठेकेदार ना तुम दिखाओ सपना, मजहब के ठेकेदार ना तुम दिखाओ सपना, हम सबको मालूम है स्वर्णिम भविष्य अपना, हम सबको मालूम है स्वर्णिम भविष्य अपना, हम हिंदी है और हिंद उद्देश्य हमारा है, हम हिंदी है और हिंद उद्देश्य हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश तुम्हारा है, मिलजुल के यहाँ रहना उद्देश्य हमारा है, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, मिलजुल के यहाँ रहना उद्देश्य हमारा है, और आपको ये उद्देश्य पता है यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और आप इस उद्देश्य को याद रखना, मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है, मिलजुल कर, यही हमारा उद्देश्य है, याद रखना बेटा, अंश याद रखना, वाह वाह सब आपके लिए वाह वाह कर रहे हैं, मैं देख लूं कि कौन कौन आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं,